हेलो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिड क्या होता है तो प्लास्टिड हमारा क्या है प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है या एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लास्टिड को हम लोग पिगमेंट के आधार पे थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं प्लास्टिड ध्यान में है हमारा प्लांट सेल एनिमल सेल में जिस समय डिफ्रेंस हम लोग पा थे उसमें बताया था सबसे पहले कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता और इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रजेंट होता है जो हमारे प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं ठीक है तो बेसिस बेसिस पिगमेंट पिगमेंट के ऑन द ऑफ प्लास्टिड आर थ्री टाइप्स ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन प्लास्टिड और क्रोमोप्लास्ट को हम लोग कलर प्लास्टिड बोलते हैं ओके ल्यूको क्या है ल्यूकोप्लास्टिड आर मेन फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्स ग्रेन वाइल्ड ड्रॉप एंड प्रोटीन ग्रेनुल्स लिकोपलास्ट क्या करता है हमारे स्टार्च ग्रेन को स्टोर करके रखता है वाइल्ड ड्रॉप स्टोर करता है प्रोटीन ग्रेनुलर्स को स्टोर करके रखता है ये लिकोप्लास्ट अधिकता है हमारे रूट और स्टीम में प्रजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट ये कंटेंट नन ग्रीन पिगमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर फाउंड इन फ्लावर एंड फ्रूट क्रोमोप्लास्ट जो है वो नन ग्रीन पिगमेंट होता है और फ्लावर और फ्रूट में कलर प्रोवाइड करता है यानी कि कलर किसी भी फ्रूट का या फ्लावर का कलर किससे रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोप्लास्ट ये इसे नॉन ग्रीन क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें ग्रीन कलर नहीं होता है बाकी सारे पिगमेंट परजेंट होते हैं बस ग्रीन कलर नहीं पर्जेंट होते हैं जो हमारे साथ जितने भी फ्रूट्स हैं जितने फ्लावर्स हैं सबको वो कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोप्लास्ट कैंटीन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल्स बोलते हैं

यहाँ देख रहे हो गोला गोला जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जिसको हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं और जैसे मल्टीपल थैलेक्वाइड एक साथ जब अटैच होता है तो इसको हम लोग ग्राना बोलते हैं जैसे एक साथ ये फोर्थ थैलेक्वाइड जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग ग्राना बोलेंगे और एक सिर्फ एक को हम लोग क्या बोलेंगे थैलेक्वाइड इसमें से एक 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 तरह से मान के चलो कि यह थैलानुमान लाइक स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो गया थैलेक्वाइड हो गया तो एक को हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं और मल्टीपल थैलेक्वाइड जब एक साथ रहता है तो उसको हम लोग ग्राना बोलते हैं और इस ग्राना को या सारे थैलेक्वाइड को एक दूसरे से जिस जो मेम्ब्रेन अटैच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लेमिली ठीक है लेम्बली बोलते हैं या इंटर लेमली भी बोलते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है ठीक है तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का फिगर हो गया जिसके अंदर मैट्रिक्स है जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलेंगे और जिससे ये कनेक्टेड है ग्राना वो लेम्ली हो गया या इंटर 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 मेम्ब्रेन लेमली हो गया और टोटल थैलेक्वाइड को हम लोग ग्राना बोलेंगे और इसके अंदर ये एक को हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं ओके

थैलेक्वाइड्स के अंदर होता है जो हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है स्ट्रोमा इज अ होमोजेनियस मैट्रिक्स इन विच ग्राना आर एम्बेडेड स्ट्रोमा एक ऐसा होमोजेनियस मैट्रिक्स है जिसके अंदर ग्राना एम्बेडेड है देख रहे हैं कि चारों तरफ ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर ये ग्राना आपका पर्जेन्ट है ओके एस्ट्रोमा कंटेन है वेराइटी ऑफ फोटो सिंथेटिक स्टार्च ग्रेन डी एन एंड राइबोसोम एस्ट्रोमा जो लिक्विड है इसमें क्या होता है मल्टीपल्स फोटो सिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं स्टार्च ग्रेन होते हैं डी एन ए होते हैं राइबोसोम होते हैं जिसके कारण अपना फोटो प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है ग्राना इज द सीट ऑफ लाइट रिएक्शन विल एस्ट्रोमा इज द सीट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटो ग्राना जो है ये टोटल को जो देख रहे हैं इसके क्या बोलते हैं ग्रानम ग्रानम में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट क्लोरोप्लास्ट क्या करता है सोलर एनर्जी को यानी कि सनलाइट को ट्रैप करता है और उसे फूड बनाने में मैन्युफैक्चर करता है यानी कि प्लांट जिस समय फोटोसिंथेसिक करता है फूड बनाने में क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करके तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड और प्लास्टिड के तीनों टाइप्स ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट